नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वृश्चिक लग्न में केतु के प्रभाव के बारे में जानकारी दूंगा। केतु मोक्ष के कारक हैं, राहु पाप ग्रह है तो उसके सामने केतु शुभ ग्रह हैं। राहु से होने वाली प्रॉब्लम को केतु बैलेंस करते हैं। केतु की तीन दृष्टि होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। ज्योतिष के अनुसार केतु को मंगल के जैसा फल देने वाला कहते हैं। ये वक्री ग्रह है, यह हमेशा उल्टा चलते हैं। यह एक छाया ग्रह है, फिर भी उनका असर सब लोगों पर पड़ता है। अगर केतु का बल अच्छा हो, शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये आपको जीवन में बहुत ऊपर ले जाते हैं। अगर केतु आपके आठवें घर में बैठे हो तो केतु यहाँ पर कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ पर इनका नीचत्व भंग हो जाता है। केतु यहाँ पर आपको आकस्मिक धन लाभ करवाएंगे। केतु बारहवें भाव को देखेंगे तो आपके खर्चे बहुत होंगे। आपको चरित्रवान बनना होगा। धर्म ग्रंथ, अध्यात्म और पूजा पाठ के ऊपर खर्च करेंगे तो अच्छा होगा। केतु दूसरे भाव को देखेंगे तो आप पैसे संग्रह नहीं कर पाएंगे। केतु चौथे भाव को देखेंगे तो सुख में कमी रहेगी। तो ये था वृश्चिक लग्न में केतु का आठवें घर में फल। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।